कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो हमेशा सुर्खियों के इर्द गिर्द रहे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द हमेशा सुर्खियां रहना चाहती है। हमारे बीच इस वक्त देश के सबसे चर्चित राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब मौजूद है। सो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जिस तरीके की तल्खी इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, उस हिसाब से आपको अपना दायित्व निभाना कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए है? Our constitution does not permit confrontation between state and center. Center और state के बीच में confrontation हमेशा जनता के लिए घातक होता है। पश्चिम बंगाल में जब मैं देखता हूं कि 70 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान का फायदा नहीं मिला, देश के हर किसान को 14,000 रुपये मिल चुके हैं, पश्चिम बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिला, अब तक ये 10,000 करोड़ का नुकसान फार्म सेक्टर को हुआ है। मैंने अथक प्रयास किया है। देयर कैन बी कन्फ्रंटेशन इन पॉलिटिकल एरिना, देयर कैन बी कन्फ्रंटेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू व्हेन यू आर इन पॉलिटिकल एरिया, बट इन गवर्नेंस वी आर कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। एनी ट्रांसग्रेशन ऑफ दैट विल हर्ट द पीपल। मेरी लगातार सरकार से गुजारिश रही है, इफ देर आर इश्यूज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राहुल जी आई एम अ फुट सोल्जर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मुझे राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक और एक को 11 करना है। मैंने बड़ा प्रयास किया है और मेरा प्रयास जारी है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए वी विल हैव टू बिलीव इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा? सरकारी कर्मचारी यदि राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा, सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर राजनीति के उपयोग में आएंगे,